हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन वक्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ अहमदाबाद गुजरात से। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर ACL टेयर हुआ है और आप अगर सर्जरी नहीं करवाते हो तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर ACL में आपको Grade 3 इंजरी है, कंप्लीट रप्चर ऑफ ACL है और आपका नी काफी अनस्टेबल है, बैलेंस चला जाता है, लचक रहती है, चलने फिरने में पाँव घूम जाता है, तो आपके नी में इंस्टेबिलिटी के कारण क्या क्या डैमेज हो सकता है। नॉर्मली हमारा नी एक स्ट्रेट लाइन में मुड़ता है और सीधा होता है, लेकिन ACL टेयर होने पे वो ट्विस्ट हो जाता है। जब भी वो ट्विस्ट होता है तो दो जो हड्डी होती है, फीमर और टिबिया, उसके बीच में कुशन होता है जिसको मेनिस्कस कहा जाता है, जो घुटने के घिसारे को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अगर ACL टेयर है तो वो मेनिस्कस टेयर होने के बहुत हाई चांस रहते हैं और गद्दी फट सकती है। गद्दी फटने में घुटने में धीरे धीरे फ्रिक्शन होता है और घिसारा स्टार्ट होने लगता है। तो सबसे पहला नुकसान है ACL टेयर का, गद्दी फट जाना, और गद्दी फटने का नुकसान है घुटने में घिसार होना। अगर आप लंबे टाइम तक वेट करोगे तो गद्दी फटना और घिसार होने के एक सबसे बड़ा नुकसान होने का चांस है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें ACL टेयर होने के बाद नी में इंस्टेबिलिटी से कार्टिलेज इंजरी और कार्टिलेज वेयर एंड टेयर होना बहुत फास्ट होने लगता है। जो घुटने की हड्डी होती है उसके ऊपर एक स्मूथ परत होती है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है, सादी भाषा में उसको ग्रीस भी कहते हैं। तो उसके कारण कार्टिलेज घिसने लगता है, उसकी मोटाई कम होके वो पतला होने लगता है और हड्डी में घिसारा स्टार्ट होने लगता है। तो इसको कार्टिलेज वेयर एंड टेयर कहता है और इसको मेडिकल लैंग्वेज में आर्थराइटिस कहा जाता है। तो दूसरा नुकसान, बड़ा नुकसान है कार्टिलेज वेयर एंड टेयर। तीसरे नंबर की बात करें तो रिपीटेड इनस्टेबिलिटी के कारण आर्थराइटिस तो होने लगता है, लेकिन साथ साथ में आर्थराइटिस के कारण हमारे पाँव का आकार भी बदलने लगता है, बो लेग्स होने लगते हैं। बो लेग्स यानी कि आप फोटो में देख सकते हो कि दोनों घुटने के शेप जो नॉर्मली बड़ी उम्र में मुड़ जाते हैं, वो छोटी उम्र में ACL टेयर के बाद मुड़ने लग सकते हैं, जिसको बो लेग्स या फिर टिबिया वारा भी कहा जाता है। चौथी अगर हम बात करें तो रिपीटेड इंस्टेबिलिटी और ACL टेयर के कारण पटेलो फीमोरल आर्थराइटिस यानी कि जो ढकनी होती है वो भी घिसने लगती है और घुटने में काफी दर्द बढ़ने लगता है। नीचे उठने बैठने में तकलीफ होती है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है, घुटने में से कटकट की आवाज आने लगती है, सूजन आने लगती है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता और लंबा चलने के बाद पांव थक जाते हैं, ये तकलीफ भी होती है। तो मित्रों, अगर ACL टेयर है और उम्र आपकी कम है तो ये सारी तकलीफ से बचने का एक ही उपाय है कि आप ACL की सर्जरी करवा के दूरबीन से नए ACL लिगामेंट को ठीक करवा के आप घुटने को स्टेबल बना सकते हो, ये सारे नुकसान से आप बच सकते हो। फिर भी अगर आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें लिख के भेज सकते हो, हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और हमें ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।